बिहार में इलाज ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर रेफर किया यहाँ आने के लिए, इसीलिए हम यहाँ आए, बस यहीं रहते हैं। हाँ, परेशानी एक बात को पूछे कि जो है खून जांच करने के लिए भेजा तो कह कि यहाँ नहीं, आज नहीं वो कल होगा, तो उसमें गए तो कहीं यहाँ नहीं, वहाँ पूछे जमा करो जहाँ कहा तो आज हो रहा है, मगर बच्चा का कोई कंडीशन सही नहीं है सर। डॉक्टर हैं वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं देंगे तुमको। खाने में दिक्कत है ना, ठंड में आने पर बिहार में नहीं इसको इलाज है। अब इलाज कहाँ रहे, इधर से उधर से भागते फिरो और क्या है, अगर वहाँ पर होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त दिल्ली एम्स में आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ बिहार के लोग हैं जो दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए हैं, लेकिन इनकी समस्या को आपको सुनाएंगे कि दिल्ली एम्स में इलाज कराना कितना मुश्किल है और कैसे इनकी परेशानी को अनदेखा कर दिया जाता है। बिहार से हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं इलाज कराने, लेकिन और इनकी इलाज होने के जगह पे और बीमारी बढ़ जाती है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मधेपुरा जिला, बिहार। मधेपुरा जिला आप बिहार के रहने वाले हो, क्या नाम हुआ? मेरा ताउल्लाह। क्या इलाज कराने आए हैं आप? यहाँ हाथ पैर में जोरों में दर्द है। अच्छा, तो दिल्ली एम्स से कितना दिन से इलाज करा रहे हैं? नहीं, यहाँ नंबर ही नहीं लग रहा है, रोज आते हैं धक्के खा के चले जाते हैं। रहते कहाँ हैं दिल्ली में? मंडावली में रहते हैं, एक रिश्तेदार दूर के पास। से आते हैं जी, फिर चले जाते हैं, नंबर ही नहीं लग रहा। नंबर ही क्या बोलते हैं डॉक्टर यहाँ के? डॉक्टर कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता इधर जाओ, गार्ड सीधे मुँह बात नहीं करता है, धक्के दे के भगाता, कोई कहता उधर जाओ। अभी बिहार के एंटी रहने वाले जी, मधेपुरा जिला से आए, अभी मधेपुरा के। इलाज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? डॉक्टर ने देख रहा है। क्या बोलता है डॉक्टर? यही बोल रहा है कि उधर जाओ, सब ऐसे ही करके भगा देता है। दिल्ली एम्स में आप भी जानते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे कैंपस है, इधर जाओ उधर जाओ, परेशानी में यहाँ के बिहार के मरीज हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अभी मधेपुरा। आपका इलाज नहीं हो रहा? नहीं, मेरा तो ये दांत डिपार्टमेंट लड़की को दिखा रही हूँ, तो इसका आपकी बेटी हुई है? हाँ, तो इसको हो रही है इलाज दांत। कितना दिन से इलाज करा रहे हैं? इसके दूसरी साल चल रही है। दो साल से इलाज चल रही है। सोचिए कि किसी बीमारी का इलाज ठीक करने के लिए होता है, लेकिन दो साल से जब किसी बीमारी की इलाज हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि उसका समाधान होगा, खात्मा होगा, या फिर और वो इलाज और वो बीमारी गंभीर होगी। आप कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं बेतिया का हूँ। बेतिया के आप रहने वाले? जी हाँ, जी। दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए हैं? जी हाँ साहब। इलाज नहीं हो रहा है? अब इलाज कहाँ रहे, इधर से उधर उधर भागते फिरो और क्या है। तो फिर एम्स क्यों आते हैं आप लोग दिल्ली के एम्स में? भरोसे की वजह से आते हैं हम लोग। भरोसे की वजह से आते हैं, लेकिन भरोसा टूट जाता है। बिल्कुल, भरोसा टूट जाता है। बिहार में बेहतर व्यवस्था नहीं है इलाज कराने के लिए? अगर वहाँ पर होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कितना दिन से हम आवाजाही कर रहे हैं? ये करीब 2016 से 2016 से आवाजाही कर रहे हैं। देखिए, 2016 से आज हो गया 2021, 5 साल से आप यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। इलाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। चलिए, ये सवाल है नीतीश कुमार से कि आपके लोग, आपके राज्य के लोग दिल्ली में 5 साल से भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आप कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर है जो भभुआ जिला में मोकरी। मोकरी में घर हुआ। मेरा दिल्ली क्या करने आए हैं? दिल्ली हम आए हैं इलाज के, मेरे अपने सार के लड़का का इलाज कराने के लिए। इलाज हो रहा है सही से? इलाज हो रहा है। डॉक्टर बोला है कि आपका मरेजी का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मतलब इलाज करने में राजी ही नहीं हो रहा, गारंटी नहीं ले रहा। गारंटी नहीं ले रहा है। कितना दिन से इलाज करवा रहे हैं? हम तो अभी कल से एडमिट किए हैं। कल से एडमिट किए। यहाँ परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी एक बात को पूछे कि जो है खून जांच करने के लिए भेजा तो कह कि यहाँ नहीं, आज नहीं वो कल होगा, तो उसमें गए तो कहते यहाँ नहीं, वहाँ पूछे जमा करो जहाँ कहा तो कर, इधर उधर करता है। हाँ, कर के हम चले आए। बिहार में इलाज नहीं हो रहा? बिहार में इलाज जो है व्यवस्था जरूरत उतना नहीं है जैसा जहाँ है। हॉस्पिटल गए थे? बिहार के हॉस्पिटल में गए थे? हाँ, बिहार के हॉस्पिटल में गए थे, सारी देखे थे, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर के कई डॉक्टर करवाए, वो हमारे पास भी रिपोर्ट है, लेकिन वहाँ कंट्रोल नहीं, सुधार नहीं हो रहा है। सुधार नहीं हो रहा है वहाँ, इसलिए दिल्ली आए आप? हाँ, इसलिए दिल्ली में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। दिल्ली में आए हैं तो अभी तो कराए हैं, अभी इधर उधर नहीं गए हैं, अपने इस भरोसे पर हम बैठे हुए हैं, ठंड में बैठे हुए हैं अपना कि भाई हमारा यहीं रात को यही इधर उधर सो लेते हैं। अब अपना किसी तरह से हम लोग सारे और आदमी है जिसके चित्र उधर अपना हम लोग बिता रहे हैं मरीजी के चलते। ठीक
आप भी बिहार के रहने वाले हैं? हाँ। बिहार में कहाँ घर हुआ? पटना। पटना। यहाँ एम्स में इलाज कराने आए हैं दिल्ली? हाँ। इलाज हो रहा है? हाँ। कितना दिन से करा रहे हैं? साल भर से। आप अपना बच्चा? 13 महीना से हो रहा है। 13 महीना से करवा रहे हैं? तो यहाँ ज्यादा दिक्कत होता है? आने में दिक्कत है ना, ठंड में आने पड़ता है, बच्चा को छोड़ कर दो और बच्चा है, उसको छोड़ के इसको लेकर के आना पड़ता है। पैसा के दिक्कत, सब चीज का दिक्कत है, पैसा के दिक्कत है। दिल्ली में इलाज होता है, बिहार में नहीं इलाज हो रहा? बिहार में नहीं इसको इलाज है, बिहार में नहीं इलाज है। आप अकेले दिखाने आते हैं, पति भी साथ में है? पति भी साथ में। आप लोग दिखाने में व्यस्त है? अभी बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, बिहार के रहने वाले हैं। इलाज यहाँ करवाने आए हैं? हाँ, दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए। आप ही का इलाज हो रहा है? हाँ। तो कितना दिन से करवा रहे हैं इलाज? ये हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से इलाज करा रहे हैं, तो हो जाएगी इलाज? क्या संभावना है? डॉक्टर देख रहे हैं सही से? सही से देख रहे हैं, लेकिन 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लग गया है। अभी कितना दिन और लगेगा ये तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब बताएगा ना। डॉक्टर साहब बताएगा, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ घर हुआ? दरभंगा। दरभंगा। कितने दिन से एम्स में इलाज करा रहे हैं? 20 से। 2020 से इलाज करा रहे हैं। ये बताइए, बिहार में व्यवस्था नहीं हुआ या बिहार में इलाज ठीक नहीं हुआ इसीलिए दिल्ली आए? बिहार में इलाज ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर रेफर किया यहाँ आने के लिए, इसीलिए हम यहाँ आए। यहाँ रात को कहाँ आप लोग रहते हैं? बस यहीं रहते हैं, सड़क पे ही। आप दिन रात यहीं गुजारते हैं? हाँ हाँ, व्यवस्था तो व्यवस्था और कुछ नहीं है? नहीं, ठंड तो लगती होगी ना? लगेगी नहीं, ठंड लगेगी नहीं, ठंड का मौसम है, ठंड तो लगेगी। तो यहीं इलाज आप लोग कर रहे हैं? हाँ हाँ। चलिए, तो ये समस्या है उन लोगों की जो बिहार से दिल्ली आते हैं एम्स में इलाज कराने, और उनकी समस्या आप सुने। कोई रात को सड़क गुजारते हैं, कोई पिछले 5 साल से इलाज करा रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, और इलाज हो ही रहा है और किसी को सुधार भी नहीं हो रही है, किसी को सुधार भी हुई है। आप लोगों से सुने, सबसे बड़ा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है कि आखिर 15 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में कौन सी ऐसी व्यवस्था किए ताकि लोगों को उसका सुविधा, उसका बेनिफिट मिल सके। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आते हैं और लोग इलाज कराते कराते उनकी इलाज और भी बदतर हो जाती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।